नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दाल फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए तुअर दाल 50 ग्राम एक घंटा भीगी हुई, 50 ग्राम चने की दाल एक घंटा भीगी हुई, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पानी 300 मिलीलीटर, प्याज 2 बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 5 लहसुन की कलियाँ छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लंबाई में कटा हुआ, सूखी लाल मिर्च 2, साबुत जीरा 1 छोटा चम्मच, 3, आधा चम्मच धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, घी 2 बड़े चम्मच और हरा धनिया 2 बड़े चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। सबसे पहले प्रेशर कुकर में भीगी हुई दालें, नमक, हल्दी पाउडर और पानी डालकर 2 सीटी आने तक उबाल लीजिए और प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने दीजिए। अब दाल फ्राई करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में घी डालकर गर्म कीजिए और इसमें हींग और जीरा डालकर तड़का लीजिए। फिर इसमें अदरक और लहसुन डालकर हल्का भूरा होने दीजिए। जब यह भूरा हो जाए तो इसमें प्याज डालकर धीमी आंच पर गुलाबी होने तक फ्राई कर लीजिए। अब इसमें हरे धनिया को छोड़कर बाकी बची हुई सभी सामग्री डालिए और धीमी आंच पर टमाटर नरम होने तक पकाइए। अब प्रेशर कुकर खोलिए और दाल इस पैन में डालकर 2 मिनट के लिए उबलने दीजिए और फिर हरे धनिया से सजाकर सर्व कीजिए। दोस्तों, हर बुधवार मेरी ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज देखते रहने के लिए मुझे जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर फ्री सब्सक्राइब कीजिए। दाल फ्राई की यह रेसिपी आप हमारी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं।